हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस ट्यूटोरियल वी विल डिस्कस फ्यू मोर टॉपिक्स अबाउट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस टॉपिक व्हिच जस्ट कम इन दिस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम लेट इस डिस्कस दिस राइट ये कुछ क्वेश्चन आए थे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जो अभी मार्च टू में होता है दिल्ली बोर्ड के और कुछ बाहर के सारे वन मार्क करते जो मैं डिस्कस करूंगा अभी ये डिस्कस करने के बाद फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे राइट तो फर्स्ट क्वेश्चन था आपका जो सेट वन और थ्री दोनों में आया था कि साइन इनवर्स ऑफ साइन आपको निकालनी थी वैल्यू माइनस सेवनटीन फाइव बाई एट की तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना आपको अगर आपको याद हो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा राइट और सेम नॉर्मल ट्रिको में भी लगता था कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा तो पहले ये नेगेटिव इधर आ जाएगा साइन इनवर्स साइन ऑफ माइनस साइन ये बन जाएगा इस तरह से राइट right? और फिर इस प्रॉपर्टी से ये नेगेटिव भी यहां भी आ जाएगा भाग यानी हम कह सकते हैं कि माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन सेवनटीन पाई बाई एट आ गया राइट right? अब अगर ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होता तो सीधा सीधा आउट हो जाते है आप आ जाता आ बट ये आउट ऑफ रेंज होता है अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था जो भी नंबर नीचे है उसका मल्टीपल ऊपर बनाते हैं है तो हम एट का मल्टीपलटी नियरेस्ट मल्टीपल है तो सेवनटीन पर लिख देते हैं आपको हमेशा इसलिए ऐसा बताता हूँ ताकि ये कैंसल आउट हो जाए नियरेस्ट मल्टीपल बनाने पे कैंसल आउट हो जाती है और पाई बाय टू को फैक्टर भी नहीं आता इसलिए कॉम्पलीमेंट चेंज नहीं होता इसलिए ये सब करते हैं राइट तो ये बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन टू पाई प्लस पाई प्लस पाई, एट पाई एट? अब टू पाई जब आप क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना तो टू पाई ये होता है तो इसमें प्लस एंगल करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं तो साइन टू पाई प्लस थीटा साइन थीटा आ जाता है तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई एट और साइन सेट कैंसल आउट हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पाई बाई एट और माइनस बाहर है तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस पाई बाई एट तो वन मार्क का क्वेश्चन था और इसका आंसर पूछा गया तो था तो इसका आंसर आएगा माइनस पाई बाई एट नाइट एक और क्वेश्चन आया था जो टू सेकेंड सेट में था सेकेंड सेट में ये भी वन मार्क करता बेटा तो यहाँ पर भी माइनस बाहर आ जाएगा क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर से निगेटिव बाहर आ जाता तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाय थ्री प्लस साइन इनवर्सो हाफ अब साइन की टेबल में हाफ़ कब आता है हमने ऐसे प्रिंसिपल वाली क्वेश्चन फर्स्ट सेक्शन में किए हैं तो साइन की टेबल में हाफ़ आता है पाई बाई सिक्स पे तो साइन इनवर्सो हाफ पाई बाई सिक्स हो जाएगा तो हम इसको सीधा पाई बाय सिक्स लिख देते हैं तो राइट हमें सिर्फ इतना देखना है कि कौन सी वैल्यू कब आती है और सीधा उसका एंगल लिख देना है ठीक है तो अब साइन पाए बाय थ्री प्लस पाई बाय सिक्स सिक्सटी और थर्टी तो ये बन जाएगा नाइन्टी यानी गया साइन पाइवेट तो ये भी वन मार्क करता तो, तो डायरेक्ट आंसर आ गया साइन पाइवेट तो में इज वन साइन नाइनटी में इज वन तो इसका आंसर वन आ जाएगा फिर ये आउट ऑफ डेली की सेट से मैं आया था क्वेश्चन वन मार्क कर तो कॉट इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री कैसे निकालेंगे और कॉस निकाल इनवर्स तो आपने पढ़ा पड़ावर एक प्रॉपर्टी की कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव आता था हम तो क्या करते हैं इसको लिख देते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ ठीक है और कॉस के टेबल में हाफ कब आता है कॉस की टेबल में हाफ आता है बेटा सिक्सटी डिग्री पे तो यह आ जाएगा पाई माइनस पाए बाय थ्री तो आपका आंसर आ जाएगा टू पाए बाय थ्री के क्वेश्चन में फर्स्ट सेक्शन में कर चुके हैं टू पॉइंट वन में कॉट इनवर्सो माइनस रूट थ्री सेम कॉट की टेबल में अगर नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्सो रूट थ्री अब कॉट की टेबल में रूट थ्री का बता है जब टैन की टेबल में वन में रूट थ्री आता है यानी थर्टी डिग्री पे आपको ट्रीटी वैल्यूज तो याद होंगी ना और फिर एलसीएम ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स फिर एक क्वेश्चन आया था एक सेट में प्रिंसिपल ब्रांच रेंज बतानी थी सेक इनवर्स एक्स की तो ये भी हमें याद है कि सेक की जो रेंज होती है वो बिल्कुल कॉस की तरह करती है तो जीरो से पाई एक्सेप्ट मिड वैल्यू पाई बाई टू को हटा देते तो ये हमारी सेक की ब्रांच होती है ये सारे पूछे हुए थे क्वेश्चन आपसे सिक्स और सेवंथ क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम है हमने एक प्रॉपर्टी डराई भी की थी लास्ट ट्यूटोरियल में कि इनवर्स थीटा प्लस कॉट इन कॉस थीटा हमेशा फाइव बाई टू होता है सिमिलरली टाइनवर्स अथीटा प्लस कॉट इनवर्सिटा पाए बाय टू होता है यानी ये रिजल्ट पाए बाय टू होता है स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है तो हम इसको पाए बाय टू लिख देते और कॉस पाए बा टू हमारा कॉस नाइन्टी जीरो होता है तो हमारा आंसर ज़ीरो आ जाएगा सेम सेकेंड इनवर्स का थीटा प्लस कॉस सेकंडा थीटा भी पाए बाय टू होता है तो ये रिजल्ट भी पाए बाय टू हो जाएगा और साइन नाइन्टी हमारा वन आ जाएगा आंसर राइट ओके ये देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम प्रिंसिपल वैल्यू की तरह भी कर सकते हैं बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये एंगल बिल्कुल सेम है तो अगर मैं इसको फॉर द ही एज्यूम कर लूँगी एक्स है तो बेसिकली हमसे क्या पूछ रहे हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू बताओ और वो तो हमेशा पाए बाय टू होती है तो हमारा आंसर डायरेक्टली पाए बाय टू हो जाएगा ये कुछ क्वेश्चन थे जो बोर्ड्स में आए थे जो हमने प्रीवियस टॉपिक कम कर चुके हैं उस पर बेस्ड थे तो आई होप अब आप कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की क्या होता है कई बार हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ना टेन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फोर वी हैव एंड दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्ट्स ऑफ एक्स और वी कंसिडर कॉस इनवर्ट्स ऑफ वाई तो वाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई यानी इन डायरेक्ट वे में बेसिकली हमसे क्या कह रहे हैं करने को कह रहे हैं कि इसको कन्वर्ट करो टेन को साइन में या टेन को कॉस में या किसी भी ट्रिकोमेट्रिक रेशियो किसी दूसरे में राइट right? तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बेटा तो देखते हैं इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं एक हो सकता है कि हम क्या करते हैं टैन इनवर्ट्स ऑफ थ्री बाई फोर को मान लेते हैं थी टा तो जब इधर से टैन हटेगा मेन वर्ड्स तो उधर जाके नॉर्मल टैन बन जाएगा तो ये बन जाएगा थ्री बाई फोर इक्वल टू टेन थीटर अब बेसिकली हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू है और हमें साइन कॉस बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालनी है तो एलेवंथ क्लास में याद करो आपने सेकेंड एक्सरसाइज जब पढ़ी थी उसमें भी सेम कंसेप्ट पढ़ा था कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ अदर फाइव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियज तो उसमें हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियस दिया होता और बाकी कैसे निकालते थे ए एक हम निकालते थे आइडेंटिटीज का यूज़ करके ठीक है दूसरा होता था कि हम ट्राइंगल बना लेते हैं टेन थीटा होता है पोपेंडिकुलर बाय बेस तो पोपेंडिकुलर हो गई थ्री के और बेस हो गई फोर के मैं इसलिए ले, ले रहा हूँ क्योंकि तो थ्री बाय फोर रिड्यूस फॉर्म में भी हो सकता है अब इसको हम एल्सियम लेके हैं तो ये आ जाएगा फाइव के पैथोक स्वेयर लगाई बेस स्क्वायर प्लस पोपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटन स्क्वायर और जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एच आपका का फाइव के आ जाएगा अब आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो कन्वर्ट कर लो अब अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बानस थ्री के बाई फाइव आउट हो गया तो साइन थीटा थ्री बाय फाइव आ गया तो थीटा क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फाइव क्योंकि साइन को तो ले जाएंगे ठीक है ना तो ये भी थीटा था ये भी थीटा था तो हम लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फोर इक्वल टू साइन इनवर्स थ्री बाई फाइव ऐसी कॉस में कन्वर्ट करेंगे क्या है का? तो क्या आएगा बेस अपॉन एटीनिस तो कॉस आ जाएगा ये फोर के अपॉन फाइव के यानी फोर बाई फाइव तो इस तरह से एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं इसका बहुत सा अच्छा यूज होता है अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एक और देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ फाइव बाई थर्टीन और इसको लिख लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू टेन इनवर्स ऑफ वाई इसको कन्वर्ट करना है हमने तो एक तो तरीका हमने आइडेंटिटी की तरह पढ़ा और दूसरा तरीका ट्राइंगल बना के तो अब यहाँ पे ट्राइंगल बना के डायरेक्ट भी कर सकते हैं सीधा ही डायरेक्ट ये भी एप्लीकेबल है स्टेप्स के कॉस्ट होता बेस है बेस अपॉन अपन तो बेस फाइव है ये थर्टीन है तो फायदागर ट्रिपलेट से ये ट्वेल्व आ जाएगा कुछ फायदाग्रा ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए जैसे थ्री फोर फाइव इससे हम कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं यानी इनमें से और ये याद रखना है कि हाइप्रोटीन्स फाइव होना चाहिए ध्यान रखिएगा कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हाइपोटेनस फोर कर दें और थ्री लिख दें तो बच्चा सोचता है दूसरी साइड फाइव हो जाएगी ऐसा नहीं है लॉन्गेस्ट साइड फाइव रहेगी तो अगर हमारे को ये थ्री फाइव फोर दिया ना बेटा तो ये फाइव आएगा और अगर ये फोर फाइव दिए तो ये थ्री आएगा राइट और अगर ये फोर और फाइव दिए तो ये थ्री आएगा बट हाइप्रोटीन फाइव ही होना चाहिए तो कुछ पैदल के ट्रपरेट आपको याद रखना है जिससे कैलकुलेशन फास्ट हो सके और अगर थ्री फोर फाइव एप्लीकेबल है तो इसका डबल इसका ट्रिपल सब एप्लीकेबल है यानी इसका डबल सिक्स एट टेन भी पैथोकुलर ट्रिपलेट है तो अगर आपसे बोला जाए एक ट्राइंगल है जिसमें ये टेन है ये सिक्स है तो आप कहोगे दूसरा एट तीसरा एट होगा ऐसे इसका ट्रिपल भी होगा मतलब इसके जितने भी मल्टीपल बनेंगे सब एप्लीकेबल होंगे बट मेन का ध्यान रखना है हाफ डेज लॉन्गेस्ट होनी चाहिए ऐसे एक फेवरेट पैथोकुलर ट्रिपलेट है पाँच बारह तेरह और इसी के डबल ट्रिपल यानी दस चौबीस और छब्बीस कर दूंगा तो तब भी वो पाँच घंटे आएगा तो इससे कैलकुलेशन आसान हो सकती है तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे ये तो आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हो तो हमने क्या किया कॉस फाइव बाई थर्टीन था यानी बेस फाइव हो गई और हाईपर 13 थर्टीन हो गया हमने इसको मार्क कर दिया और दूसरी तीसरी साइड निकाल ली ट्वेल्व आ गई अब हमारा ट्राइंग कंप्लीट हो गया साइन निकालना है तो कहेंगे भाई ये जो होगा ये बन जाएगा साइन बाय हाइपोटेनस तो फाइव बाई थर्टीन अगर हम इसको टेन में निकालना होता टेन की ओल निकालनी होती तो टेन होता पोपेंडिकलर बेस तो फाइव बाई ट्वेल्व आ जाता हमें इसको सेक निकालना होता तो सेक होता कॉस का उल्टा कॉस होता बेस अपॉन हाइपोटेनस तो सेक हो जाता हाईप्रोटीनस अपॉन बेस थर्टीन बाय फाइव अगर हम इसको कॉट कॉसक में निकालना होता तो कॉसिक सेक का उल्टा साइन का उल्टा होता तो थर्टीन बाय फाइव ये कुछ गड़बड़ होगी साइन की वैल्यू आ, यहाँ पे ना गड़बड़ इसको आप ट्वेल्व ले लेते हैं बेटा है ना अब ठीक है क्योंकि कॉस्ट बेस अपराटर जो होता है मैंने बेस को ट्वेल्व रख लिया था तो बेस ट्वेल्व है तो पाया ट्रिपलेट से फाइव आ जाएगा वो समझाने के लिए जल्दी जल्दी में ये लिख दिया अदरवाइज कॉस्ट सीटा बेस अपन हाइब्रेड होता है तो कॉस्ट ट्वेल्व हो जाएगा और हाइब्रेड थर्टीन तो परपेंडिकुलर पैरेंडिकलर फाइव आ गया और फिर ट्राइंगल कंप्लीट होने के बाद हमने सारे पैरामीटर निकाल दिए राइट एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा हाँ लेटेस्ट से हम आपको दे दिए कॉट इनवर्स सेवन बाई ट्वेंटी फोर ठीक है इसको साइन में कन्वर्ट करना है इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा तो कॉट है टेन का वर्स और टेन होता था, था पर्पेंडिकुलर का पर बेस तो ये बन जाएगा बेस ऑफ अन ये सेवन और ट्वेंटी फोर आ गई तो इतना ट्रिपलेट से निकालता था ट्वेंटी फाइव आ जाएगा एक अनदर ट्रिपलेट ओ दर सेवन ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फाइव अगर फिर भी नहीं आए ना तो पैदा कुछ सर हमसे कैसे निकालेंगे आप लिखेंगे एच स्क्र इक्वल टू ट्वेंटी फोर का स्क्वायर, फाइव सेवेंटी सिक्स फोटी नाइन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन सेवन सिक्स ट्वेंटी फाइव और सिक्स ट्वेंटी फाइव पच्चीस का स्क्वायर होता है तो हाई पच्चीस आ गया अब आपको साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन प्रोटीन तो ट्वेंटी फोर बाय ट्वेंटी फाइव आपका आंसर आ जाएगा तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं वैल्यूज को राइट right? क्योंकि okay, आप इसी के ऊपर बेचना एक क्वेश्चन लेते हैं जरा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है बेटा जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आ गया आपको प्रूव करो ये टू मार्क्स में आ सकता है कि प्रूव करो सेक्स इन सेक्स स्क्वायर और फिर उसका एंगल है टेन इनवर्स ऑफ टू ले लेते हैं प्लस कॉट सेक्स और कॉट इनवर्स ऑफ थ्री और प्रूव करना है हमें कि ये फिफ्टीन आना चाहिए अब इसको करने की भी दो अप्रोच हो सकती है एक अप्रोच तो हमने जो पढ़ी अभी हम क्या करेंगे इसको दे स्क्वायर है ना हमने पढ़ा हुआ है कि सेक्स थीटा को हम लिख सकते हैं सेक्स थीटा का होल स्क्वायर तो हम इसको लिख देंगे सेक टेन इनवर्स ऑफ टू का स्क्वायर और इसको देते हैं कॉसेक काट इनवर्स थ्री का स्क्वायर अब बेसिकली हमें इसको सेक बनाना है ताकि कैंसिल वर्ट हो जाए इसको कॉसिक बनाना है तो ट्राइंगल बनाया टू को ले सकते हैं टू बाई वन तो ये पर ये बेस तो से लगाएंगे तो हम कहेंगे टू स्क्वायेयर प्लस वन स्क्वायर फाइव हाईपोटेंस स्क्वायर फाइव हो गया तो हाईपोटेंस रूट फाइव आ गया यहाँ पे लगाते हैं इस ट्राइंगल में तो काट होता है थ्री है काट तो थ्री वन बाई वन लिख सकते हैं कॉट होता है बेस जैसे टेन होता है पोपेंडिकुलर पर पे बेस ऐसे कॉट होता है बेस अपन पोपेंडिकुलर तो बेस थ्री हो गई पोपेंडिकुलर वन हो गया पाद निकालेंगे तो ये रूट टैन आ जाएगा क्योंकि दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का होल रूट हो जाएगा अब आपको इसको सेक में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख सकते हैं सेक में सेक इसका उल्टा होता है कॉस का कॉस होता है बेस अपन हाइप्रोटेस तो ये हो जाएगा हाइप्रोटेनस अपन बेस शेक्षिक, 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 हो गया। यहां पे इसको कन्वर्ट करना कॉसिक में कॉसिक साइन का उल्टा होता है साइन होता है स्क्वायर तो हो टेन आपका आंसर आप आ गया फिफ्टीन तो इस तरह से कर सकते हैं ये तो एक अप्रोच जरूरी नहीं आपने इसी अप्रोच से करना है दूसरी प्रोज कर सकती है मैं एक बार दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन ये था हमारा सेक्स स्क् टेन इनवर्सो रूट टेन इनवर्सो टू प्लस कॉसेक्सक्वर कॉट इनवर्सो थ्री दूसरी प्रोज कर सकती है क्या अगर मैं इसको थीटा मान लूँ तो ये सेक्स पर थीटा है तो सेक्स पर ले सकते हैं वन प्लस टेन थीटा और थीटा ये पूरा है ऐसे ही कॉसेक्स पर थीटा कॉस एक्सवर थीटा ले सकते हैं वन प्लस कॉट थीटा अब वन और वन बन गया टू इसमें हम टेन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ टू का स्क्वायर कर देते हैं इसमें हम कॉट ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ थ्री का स्क्वायर कर देते हैं कॉट से कॉट कैंसिल टेन से टेन कैंसिल तो आ जाएगा टू फिर टू का स्क्वायर फोर फिर थ्री का स्क्वायर नाइन नाइन प्लस फोर थर्टीन प्लस टू फिफ्टीन तो आंसर आपके सेम ही आएंगे देखिए फिफ्टीन आ रहा था और फिफ्टीन आवर्स तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अभी हम आगे पढ़ेंगे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को दूसरे में कन्वर्ट करना होगा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा उसका यूज आएगा राइट तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ध्यान रखने एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन बनता है इम्पोर्टेंट ऑल्सो कि आप पूछ सकते हैं कि ना टैन इन टैन ऑफ इसके निकालिए हाफ साइन इन वर्ट्स ऑफ थ्री बाई फोर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है अब अभी तक कोई फॉमुले नहीं पड़े हमने क्या हम फॉर्मले लगाएंगे इसके अंदर आपको क्या करना है इसको आप थीटा मान लो मान लेते हैं इसको कि ये थीटा हमारा साइन इनवर्स ऑफ फोर बाय थ्री बाय फोर को थीटा मान लेते हैं तो साइन थीटा बन जाएगा यहाँ से थ्री बाय फोर और हमें निकालना क्या है टेन ऑफ हाफ ऑफ थीटा तो ये बन गया हाफ एंगल फार्मूला एलेवेंथ क्लास में आपने पढ़ा था टेन एक्स बाय टू हाफ एंगल फॉमूला जो होता है वो होता है वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा याद है आपको हाफ एंगल फॉर्मूला कि टेन थीटा बाई टू होता है अंडर रूड वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन रूट वन रूट वन प्लस कॉस थीटा तो यानी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कॉस थीटा चाहिए तो साइन थीटा तो हमारे पास है तो साइंथीटा है हमारे पास तो इसको लिख देंगे थ्री ध्यान से देखिएगा ज़्यादातर बच्चे की गलती करेंगे इसमें थ्री फोर लिख के फाइव लिख देंगे जबकि गलत है हाइपोटिनस हमेशा बड़ी साइड होती है यहाँ पे थ्री ये दिया हुआ है पर पेंडिकुलर हाइपोटीनस फोर दिया हुआ है। तो ये फाइव नहीं हो सकता ठीक है तब ये इसको आप निकाल लेते हैं कैसे निकालेंगे एक्स स्क्र इक्वल टू सिक्सटीन माइनस नाइन रूट सेवन आ जाएगा एक्स तो यहाँ पे कॉ थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी वन माइनस कॉस सीट आ जाएगा हमारे पास बेस हैटिनस बेस हमारे पास रूट सेवन अपॉन फोर एल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फोर माइनस रूट सेवन अपॉन फोर प्लस रूट सेवन आप चाहो तो इसको रेशलाइज भी कर सकते हो तो करना भी चाहिए यह आ गया फोर माइनस रूट सेवन अपॉन फोर प्लस रूट सेवन रेशलाइज करेंगे तो ये बन जाएगा फोर माइनस रूट सेवन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया कितने बन गए फोर माइनस रूट सेवन का होल स्क्वायर और नीचे आ गए सिक्सटीन माइनस सेवन नाइन तो नाइन बाहर आके आ जाएगा थ्री और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा फोर माइनस रूट सेवन बाई थ्री तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये राइट तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे ऐसे क्वेश्चन मिसिनेस एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है आपको एनसीईआरटी की मिसिनेस एक्सरसाइज मेरे पास है तो उसमें से कराया मैंने क्वेश्चन आपको ये तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं राइट तो आप उसके क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट टाइम अभी और क्वेश्चन कर देंगे इसके ठीक है मैं कोशिश करूँगा जितने से ज़्यादा क्वेश्चन जितने ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूँगा आपको ताकि आप इसमें फैमिलियर रहें राइट ओके आई होप आपको एक टॉपिक समझ आया होगा एक क्वेश्चन और करवाने की कोशिश करता हूँ मैं जरा देखते हैं कि ऐसा कोई क्वेश्चन हमें स्ट्राइक करता है तो, तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया ठीक है इस बात पे तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं ठीक है एक क्वेश्चन और आ सकता है ऐसा है कि ना आपसे पूछा गया साइन ऑफ टू टेन इनवर्स ऑफ टू बाय थ्री की वैल्यू निकालिए तो सेम इसी को हम लें 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 लेंगे, लेंगे, लें लेंगे इसको थीटा तो टेन थीटा क्या गया हमारे पास टू बाय थ्री और हमें निकालना क्या है साइन टू थीटा साइन टू थीटा का फॉर्मूला होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ भी साइन और कॉस चाहिए टेन की वैल्यू फिर से वही सेम रूल टेन थीटा को लिख देंगे पोपेंडिकुलर अपॉन बेस पैदा क्वेश्चन हम लगाएंगे तो टू का स्क्वायर फोर प्लस नाइन थर्टीन हो जाएगा तो ये रूट थर्टीन हो जाएगा अब यहाँ से साइन थीटा के लिए निकालो साइन होता है पोपेंडिकुलर अपॉन हाइप्रोटीनियस और कॉस होता है बेस अपॉन हाइप्रोटीनस तो आप कहाँ जाएगा थ्री टू दिक्स टू द टवेल्व ट्वेल्व बाय थर्टी तो समझ पा रहे हैं आप क्वेश्चन क्यों कैसे भी करके पूछा जा सकता है ठीक है तो इनकी प्रैक्टिस करिए बेटा मैं जल्दी इसका असाइनमेंट अपलोड करूँगा तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए और फिर अपने डाउट्स पूछेगा ठीक है आई होप आप कोई सारे कंसेप्ट समझ आएगा अपने फीडबैक जो भी है कोई डाउट्स तो आप अपने फीडबैक्स यूट्यूब के जो चैट बॉक्स होता है उसमें दे सकते हैं थैंक यू सो मच